नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंडा उत्पादन के लिए देसी मुर्गी पालन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अंडा उत्पादन के लिए अगर हमें देसी मुर्गी पालन करना है तो हमें एक अच्छी ब्रीड जो है पोल्ट्री की, वह लेकर हमें शुरुआत करनी होगी। हमें पता है कि कावेरी नाम की ब्रीड है, RIR है, ऐसी ब्रीड है जो साल भर में हमें तकरीबन 250 से 300 अंडे देती है। तो इस तरह से अंडा उत्पादन के लिए जो ब्रीड का अंडा उत्पादन अच्छा है, वो ब्रीड हमें पहले सेलेक्ट करनी है। ये जो ब्रीड आप देख रहे हैं, यह गिरिराज ब्रीड है। तो इस तरह से हमें यह देखना है कि पहले एक बार हम ब्रीड फाइनलाइज करते हैं, तो उसके बाद हमें एक अच्छा शेड होना ज़रूरी है। जैसे हम ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए शेड बनाते हैं, उसी तरह हमें लेयर फार्मिंग के लिए शेड बनाना ज़रूरी है। इसमें खाली चेंजेस ये होते हैं कि इसकी हाइट जो है हमें ज़्यादा रखनी होती है, और इसमें केज सिस्टम हमें लगाना होता है, क्योंकि हमें पता है कि कम जगह में अगर आपको ज़्यादा बर्ड्स रखने हैं तो हमें केज सिस्टम लगानी है। और इस केज सिस्टम को अगर हम कैलिफोर्निया केज सिस्टम, ऐसे हम इसे बोलते हैं, और यह मल्टी स्टोरी टाइप के होते हैं, यानी आपको एक के ऊपर एक पिंजरे दिखेंगे, ऐसी तीन लाइन आपको यहाँ पर दिखती होगी। तो इस तरह से अगर हम लेयर फार्मिंग करते हैं तो हम कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर देसी मुर्गी पालन में एक दिन के चूजे हम लेते हैं तो अंडा उत्पादन तक लाने के लिए हमें कम से कम 5 महीने का समय लगता है, और इन 5 महीने में हमें एक चूजे को 5 महीने तक बड़ा करने के लिए तकरीबन 350 रुपये का फीड लगता है। यह प्राइस थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि फीड के प्राइस जो है कंटिन्यूसली कम ज़्यादा होते रहते हैं। और एक बार हमारी देसी मुर्गियाँ जो है वह 5 महीने की होती है, तो वहाँ पर अंडा उत्पादन जो है वह शुरू हो जाता है। और इसके बाद हमें साल भर में देखा जाए तो, जैसे कि मैंने बोला, अच्छी अगर पोल्ट्री की ब्रीड है तो इसमें हमें 250 से लेकर 300 तक अंडे साल भर में मिलते हैं। और डेली का फीडिंग का खर्च देखा जाए, फीड की क्वांटिटी देखी जाए, तो हमें 80 ग्राम से 100 ग्राम तक फीड एक मुर्गी को डेली देना होता है। और इसका खर्च आज के टाइम में देखा जाए तो तकरीबन 2.5 रुपये से लेकर 3 रुपये तक खर्च आता है 100 ग्राम फीड के लिए। तो यह सब कैलकुलेशन करके हमें एक का प्राइस जो है वह फिक्स करना होता है, सेलिंग प्राइस। तो आज मार्केट में देखा जाए तो देसी मुर्गी के अंडे जो है तकरीबन 8 रुपये से 10 रुपये तक सेल किए जाते हैं रिटेल में। होलसेल में प्राइस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जितना प्राइस हम ज़्यादा रख सकते हैं, जब तक हम इसकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं करते तब तक अंडा उत्पादन के लिए देसी मुर्गी पालन जो है फ़ायदेमंद आपको हो नहीं सकता। तो इसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर होने चाहिए, ताकि हमारे पास जितना अंडा उत्पादन आ रहा है वो पूरा अंडा उत्पादन जो है हम रिटेलर को दे सके और वहाँ से वह सेल हो सके। क्योंकि आपको स्टोरेज करना है तो फिर इसके लिए अलग से खर्च आता है। तो इस तरह से आप अंडा उत्पादन के लिए देसी मुर्गी पालन जो है शुरू कर सकते हैं, और इससे अच्छा प्रॉफिट